स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल टीच यू लेसन 6, सुंदर कौन। इस कहानी में ये बताया है कि सुंदर वही है जो समय पड़ने पर किसी के काम आए। तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि सुंदर कौन है जो समय पड़ने पर किसी के काम आए। सो नाउ वी विल रीड फ्रॉम बुक, सो लुक एट द बुक। लेसन 6, सुंदर कौन। नदी के किनारे गुलमोहर का एक पेड़ था। जब उस पर लाल लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ते जैसा लगने लगता। एक नदी के किनारे एक गुलमोहर का पेड़ था और उसमें लाल लाल फूल जो गुच्छे लगते थे वह एक गुलदस्ते जैसा लगने लगता। एक बार फूलों को मजाक सूझा, उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कह दिया और उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ न बोली। बरसात आई। एक दिन अचानक बादल जोर से गरजे और बिजली चमकने लगी। आग की लपेटे झपटी और बिजली गुलमोहर के पेड़ पर आ गिरी। वह बेचारा चुलच गया, यानी कि गर्मी से जल गया, एकदम ठूट सा हो गया। बरसात बीती, जाड़ा भी समाप्त हो गया। गुलमोहर बेचारा ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। बारिश आई और उसमें वो उसके ऊपर पेड़ के ऊपर बिजली गिरी और उससे वो जल गया और वो पेड़ बेचारा ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा और जाड़ा भी समाप्त हो गया। और बसंत आया, फिर हुआ चमत्कार। फिर क्या हुआ? आश्चर्य वाली बात है, जो चमत्कार हुआ, गुलमोहर के ठूंठ पर कोपले आई मतलब यानी कि नए पत्ते आए। शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर से कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल जमीन के अंदर से जड़ ने फूलों से पूछा कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? फूल समझ गए थे कि जड़ की मेहनत से ही वे फिर से पनपे हैं। इस बार फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाते हुए कहा, हमने भूल की थी जो तुम्हारी हंसी उड़ाई। केवल सूरत अच्छी हो जाने से ही कोई सुंदर नहीं हो जाता। सुंदर बनने के लिए दूसरों के काम आना भी जरूरी है बहन। हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। शब्दार्थ, फर्स्ट इज कोपल। फर्स्ट इज कोपल, नए पत्ते, नए पत्ते। चमत्कार, आश्चर्य वाली बात, आश्चर्य वाली बात। थर्ड, आदर सम्मान,
आदर सम्मान, फोर पनपना हरा भरा होना, हरा भरा होना, झुलझना झुलसना झुलसना गर्मी से जल जाना, गर्मी से जल जल जाना। सिक्स इज मेहनत, मेहनत परिश्रम। ओके, फर्स्ट इज कोपल नए पत्ते, सेकंड चमत्कार आश्रय वाली बात, थर्ड आदर सम्मान, फोर पनपना हरा भरा होना, झुलसना गर्मी से जल जाना, सिक्स मेहनत परिश्रम। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट प्रश्नों के उत्तर कह, पेड़ पर किस रंग के फूल खिले थे, पेड़ पर किस रंग के फूल खिले थे, पेड़ पर किस रंग के फूल खिले थे, आंसर लाल रंग के, लाल रंग के फूल खिले थे, फूल खिले थे। सेकंड इज बिजली कहाँ गिरी, बिजली कहाँ गिरी, बिजली कहाँ गिरी, आंसर इज गुलमोहर के पेड़ पर, गुलमोहर के पेड़ पर, बिजली कहाँ गिरी, गुलमोहर के पेड़ पर, फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई, फूलों ने जड़ की हंसी क्यों हंसी क्यों उड़ाई, फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई, आंसर इज फूलों ने जड़ को बदसूरत कहकर हंसी उड़ाई,
फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई? फूलों ने जड़ को बदसूरत कहकर हंसी उड़ाई। नेक्स्ट, सही का निशान लगाए। सही का निशान लगाएं। कह लाल फूलों के गुच्छे किस पेड़ पर लगे थे? लाल फूलों के गुच्छे किस पेड़ पर लगे थे? तो इसमें आप टिक लगाओगे थर्ड ऑप्शन के गुलमोहर, गुलमोहर। ओके, खैर, फूलों ने बदसूरत किसे कहा? फूलों ने बदसूरत किसे कहा? फूलों ने बदसूरत किसे कहा? जड़ को। तो इसमें थर्ड ऑप्शन को राइट करोगे जड़, जड़ को। गए गुलमोहर का पेड़ क्यों झुलस गया? गुलमोहर का पेड़ क्यों झुलस गया? गुलमोहर का पेड़ क्यों झुलस गया? बिजली गिरने से। आंसर इज सेकंड ऑप्शन करेक्ट, बिजली गिरने से। ओके, we have done on blackboard work. Do write neat and clean in your notebook. Thank you.